और आज की लाइव शूटिंग वर्मा स्टूडियो पल्लू डायरेक्टर धर्मवीर कुमावत। शंकर भगवान की अमोलक भक्ति चालू कर दी और इन्हें एक दिन कजड़ी बन में 120 महात्मा के सागे सिद्धेश्वर गुरु गोरखनाथ जी महाराज बैठे हैं। माननाथ आठोष ने ध्याना ढोलक मंडे न्यार न्यारा 120 महात्मा से काम ला गया। गोरखनाथ जी कह रहे चेलो हां गुरु जी, आज से मैं 23-24 वर्ष पहला और शहर शालकोट में एक पुत्र प्राप्ति को वचन दे रहे हो, चला देखा किसी को गौ सेवा करे किसी का आए गए की सेवा करे। से बोलिया गुरु जी चलो गांधल चिलम पीर मेंढा भूरिया। तो 120 महात्मा की जमात है जी की रवाना हुए, रवाना होनी तकड़ी चीज हुए। जिया कोई बेटा को कहेंगे ब्याह मंडियो बनड़ा को बाप चीड़ एक रिपी पांच सात कल्ला बाजी करे गम ढोला घर भी सेगा अपन मन में सोचो बेटो अन्न चुकाना पर सिर से जीम सिर आप दे दियो नाम ही को कटियो जार बोले भाई झूपड़े को डोको खचो बोले जजमाना झूपड़ो पर टुक्ष बोले आ ले ले तो गुमान करो तो ब्याह ब्याह मेरे घर ही ना बढ़िया। वे बोले रे घर तो बन दिया झूपड़ी और था क्या, बोले ना घर ही ना बढ़िया। अब जी बिना ढोल बान बैठ गई रात जो को लागो जान चढ़े गम गुआड़ में कई बोले रे ढोल वाला कोनी बो बोलियो मेरे तो ये जैसी चलो जो चलो नहीं थर घरे उड़ जाओ गांव का बोलिया तू कहां पड़ गई कौन नहीं से आप आपको और ठरू ले रख ले गांव बढ़िया लारे बोई रात सी शांड भी प्रबोरो गात रिशे टूमटा की हुंता पे लाग गयो गांव का बाहर ले पास मारने को जगड़िया बैठा डेरू वाला बा भी ने देख डेरू बजे वो चिपक्यो बड़ा भाई ने देख बड़ो साथ बात ठीक है। अरे बोलो भाईडो ब्याह चाल जो कर बोले हाँ बोलो के ले शो बोलो जिम्मन बोलो मने सही सही जा रिपिया तो किने दिया ही गोनी। अब आगे ले गयो छोरो तोरण बाने तो ना कई बोले रहा ना बच जाओ। अब भाई जी बांगा डेरू बजेड़ा मार दे देवता का बन के टा बीना के गेगा है वो मेंढ दे मुद्दा मुखी अपना हाथ में डेरू ले रे पेल पुर्ती गायो के मैया तू तो बेगी आई ए ए लाटा वाली ए बेगी आई इया गायो। अरे मां बात मनाड़ी बमे एक माता जी का जप करे भी डेरू सुनी से छिया चढ़े। अब ब्याह में छिया चढ़े जने ब्याह को बोरो बोरो खिंडे बूंदी वाला धामा जा बरंडी पर कर गोड़ या कई बोले रे फोरो फोरो दूसरो को के बोले मेंडो बिगड़ियो जन मन दुबारे गयो के धनु बीरा कद की तो बोली थारी जा ते कद गो उमाओ बेरू लाडलो बेरूजी वालो गयो और छोरी को मम्मो बो बेरूजी का चप करे बेरूजी को नाम सुन दे छिया सुने वो मेंढक ने खड़े बने भेरू लाडला रे कठे लगाई इतरी बा रे झूठ झूठ इया बचायो अरे बड़ गुल 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 इया कर मेंढो पटलियो। अब जे चाशा चूसा से खिंड गया लोग बोलिया मारवा ने। अब जे वो ले मेंढो और टेंट में गोल फेरियो का तो जान जी में का भिंता पर खिंपा में केंगो तो भासता को लरू कुर्ती की चाल पकड़ी जी पूठियो लारे रे को छोड़ा को बाऊ बाऊ पेरे खड़िया बोले रे 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 आ झंगड़िया ने कुड़ जे रे लोको स्तीन दबगे रे बोले ब्याह को रंग शो बिगड़ दियो थे बोले भाई जी मन तो यही आवे एक सौ बीस महात्मा और शंकर भगवान को गुणगान करके रवाना हुए और क्या कहे हो डमरू वाले बाबा जी हो डमरू वाले बाबा जी ही तेरा डमरू बजे डम डम अगड़ बम बम लहरी बोलो डम
डमरू वाले बाबा जी, ओ डमरू वाले बाबा जी, तेरा डमरू बजे डम डम अगड़े बम बम हले। रावण ने गढ़ लंका दिनी और पदवी दिनी कुबेर की, रावण ने गढ़ लंका दिनी, वाह भाई वाह, पदवी दिनी कुबेर की, बाणासुर को सशस्त्र भुजा देता नहीं देर की, बाणासुर को सशस्त्र भुजा देता नहीं देर की, तेरा रूप अनूप निराला है, तेरा रूप अनूप निराला है, तेरा डमरू बजे डम डम अगड़े बम बम। बोला हर हर महादेव की। 120 महात्मा शंकर भगवान को गुणगान करता हुआ शहर श्यालकोट में आवे, गोरखनाथ जी भी बाग में आवे, जको भगत पूर्ण मन के कर्द के बाद वो बाग पूरो सूक्यो। अरे चेलो, हां गुरु जी, हूं आज 23-24 वर्ष पहला आयो तो बाग हरियो, अट दादर मोर पपैया बोला और वो तो सूक्यो खड़ी है। चेला बोलिया, गुरु जी जान को ठा खटपड़े थंटा है कि खटपड़े, बोले पड़ जान में। ई गांव को राजा अदरखता ने पानी ने दे रोटी ने मुआ पानी गोन दे। गोरखनाथ जी कोई बात छुपेड़ी थोड़ी बे, तू शंकर भगवान का अवतारा। गोरखनाथ जी के हां चलो, 120 महात्मा आप आपका न्यारा तंबू लगा लियो, रात रात ही बाग में ही रुकिया। बोलिया गुरु जी, ना तो कचली बनी चोखो तो पाऊ चिलम तो पिया सूखा लकड़ा में गेलिया। बोलियो ना, 120 महात्मा आप आपका न्यारा न्यारा तंबू लगावे, पाठ भी चेलो कुण नीमनाथ और पार्श्वनाथ। गोरखनाथ जी क्या नीमनाथ पार्श्वनाथ थे, यहां काम करो, ही बाग में एक कुओ है भी वो पानी गंगा जल के समान पवित्र और मीठो है, आपने यहां काम करो, ही कुए मुए तुम भी भर लो। नीमनाथ पार्श्वनाथ जागे, अरे कुए का मां तुम भी शेरी है, जक्के कुए में भगत पूर्ण मल हो। अब हाथ पग तो हा कौन नहीं, लिख दिया महाराज चालते ही तुम भी ने भगत पूर्ण मल दानता हूं पकड़े। बिना नीमनाथ के पार्श्वनाथ आपने तुम भी में पानी नावड़े किला दो किला ढाई किला दो, बोले आज तुम भी किला 70 की हो रही है। अरे बड़ा बोदो कुए है, बाग सुकड़े मन न लागे कुए में कोई भूत है, तू गुड़ के सामी पक दे यार। गुरु जी ने बुला लिया बिना फालतू शेर बादाम बाजार छोड़ दिए। पार्श्वनाथ क्यों गुरु जी भी कुए में कोई भूत है, आपने तुम भी पकड़ ली। गोरखनाथ जी बोले, रे थे दो एक भूत तो बार काट लियो। अरे बोले गुरु जी चलो जन चलो, नहीं मे बाप यू शगन मारे चलो। गोरखनाथ जी कुए की बीणू पर पू, हाथ में शिव धूणे की भस्मी ले गए और क्या, सुन भाई आ तुम भी अटपटिए की कहानी है, तुम भी गोरख है यार, तुम भी पकड़िया कौन ही संसार में। गोरखनाथ जी के भूत पलित अधोगति और बोल जाइन सा, कुए ऊपर फूक गयो सीधे सर को रखता, भूत पलित अधोगति बोल जाई इन साथ, कुए ऊपर फूक गयो सीधे सर को रख। शिव धुणे की भस्मी रेणु मां भस्म कर दियो। लो भगत पूर्ण मन मन में सोचो, तेरी माँ जो तन्ना आशीष को कोई भस्म करनी हो यासी जियाड़नी हो तन को नहीं आवे। पाछी कुए में आवाज आई, गुरु जी ना मैं भूत पलीत हूं,
ना मैं जिंद जीना मैं सुन राख्यो जगत में मेरो सतगुरु को रख। गुरु जी इतना दिन कान्या सुनिया आज मूर्ति सामी खड़ी दिखो। ए गुरु जी उन तो थारे बचना पैदा उड़ाऊ मेरो नाम शाहजादा भगत पूर्णमल है। ए गुरु इतना दिन कान्या सुनिया आज मूर्ति सामी खड़ी हो। गोरखनाथ जी कह रहे चलो। हां गुरु जी मैं बचन दियो जुको तो कुएं में पड़ी हुए है। चेला वल्या मर गया बिना सोचे बचन दियो जंथरबा बाड़ बाड़ कुआ छले रोण न दिया बचन भूलो एडो बचन तो निकल गया। तो अब जो मां मर जे तो पाप की न लागे। चेला बल्या पाप लागे जुको थे धंधा गिरिया। तो बारह कड़ा बोलिया गुरु जी आदमी से हुए में काट जाना ओप चल बाद हुए में वापस होकर पत्थर रेड जाना। 120 महात्मा डोर खेचे है शरीर पर जटाई बच चुकी है। बुरा हाल तो होना है शरीर में बदबू आने लग गई और बारह की हवा लग गया ना। भगत पूर्णमल कहे गुरु जी रेड़ दियो कुएं के पाछो माए अब प्राण मेरा जाए रया। गुरु जी रेड़ दियो कुएं के पाछो माए अब प्राण मेरा जाए अब खून मने धीर बंदावे प्राण पखेरू जाय रया गुरु खून मने धीर बंदावे समय बड़ी बलेवान रे सदनो के खेल खिलावे ए समय बड़ी बलवान रे सजनो के खेल खिलावे सदनो भली तो करे लो दीना नाथ पता में क्या करे। गुरु जी मन पाछो रेड़ दियो क्यों आवा मेरू सेल को नहीं वे चलो ओ घबरा गयो वे। हां चला बोलिया घबरा सी। गोरखनाथ जी शंकर भगवान के अवतार थे। 120 चेला आंख मिंचो सगला आंख मिंची ना कंचन बबू तिले हाथ में धन रे गोरखनाथ कंचन जू काया करी तो कर दी जे जे बोले भगत और भगवान की। कंचन बबूती लगाई ना शरीर पर भगत पूर्णमल का हाथ पग आ गया और काया कंचन के समान कर दी हो भी ना फूल रो बना दियो। महात्मा चेला आंख खोली गुरु जी खट्टे है कौन चोरी हो ओ खड़े हो रूप देखो ऐसे कैसे बेड़ा हो गया बुजो मंडी हुए जू बोले शर्म का आवे नहीं। पांच पांच साल का आनी सके लंगोटी ली गुरु जी 120 आका तो एक नहीं सौ फूट रोक रो नेकरो जिन थारा मरे क्या कर सके थे थारे मी मारे। गोरखनाथ जी बोले अरे रुष्य ना करे करो ए पूरन जमीन की गोद में कितना बरस रहे गुरु जी 12 बरस कुएं में 12 बरस 12 24 नीमनाथ 24 बरस ही कुएं में रह जा इनो फूट रो बना दियो बोले कुएं मत कौन गुफा मत हुई रह जू बोले गुफा मुंद्रा गणा ही रहे। तो रूप बात है के आदमी को अब तो भाग्य हुए
ने लुकोयो लुकोई जे ने छुपायो छुपाई जे ने उतारो मिले ने खरीदी जे ओ जे खरीदी जा नहीं तो पैसे पैसला फूट रवा आपने किंग टांग बदड़ी किंग ओठ बदड़ा क्यों रूप में ले जा। हाँ पुराने जमाने की बात है फुकड़ में पद बनिया वे करती रूप बनती कोई भाई आप ही गरल इंदे घर बोले डावड़ी फुकड़ में पद्मणी है तू कह तो हूं देख बा बोली के घरे मरो वो फुकड़ के कुएं ढूक्यो हो एक बाई ली आई पानी भरने के भैया की सो गांव के भाई गांव तो फलानो है तो टमाण गमे की आयो बोले भाई तो पद्मणी देखने आयो बा बोली नारे है भैया बे पद्मणिया तो सदा ही मरी तो बोले भाई बिंगो खल्लो जूती चंपली देख लिया बोले भाई कहानी तो वो बोले गम में पदमणि जमी बीपर की गई और हली अब बी बाईली ने छट्टी की नुएडी सिर में जुआ डिप्पू खोद रखो दान तेरा बेरा गोबर भर नंदन तली है जो वो बोले गम में पदमणि जमी बीपर की गई और हली मैंने बात सॉरी बोली भैया और तो कौन है तो बोले अब गांव का थोड़े थोड़े मेरे पर बेम करे हे पूरन गोरखनाथ जी के तू चार शहर शालकोट को राज भोग नहीं गुरु जी हूं गयो नहीं अरे कोई न कोई जतन कर गए मन मोसी मरवायो नहीं हे गुरु जी जीवन दान दिए तो दे जणो हूं तो थारा सागे ही चाल छु जना गोरखनाथ जी के बेटा चाल तो भले ही बन सुन अरे धोरी दे घर घर की भिक्षा मांगणी भोजन मिल जा खीर का बेटा में तो कदी भूखा ही रह जाए जेठ साठ के महीने में तो भूखा ही भी हुआ ए पूर्ण तू राज कमर है बोले गुरुजी धन कदी मिले तो है हां बोले बंदे दर्शन ही कौन करिया साधु साधु का मतलब क्या है यानी सेनाम साधना का और धैनाम धीर्य का जगह कहना साधना और धीर्य दोनों है बहुत साधु है बेइया कहता नहीं भले माई का मुंडा भसम बे भसम करनी अज्जू बैठे आईया ना देख लिया भाई कौन ही पण बे आपना कने आवे कौन क्यों बे तो काय को कल्याण करना नहीं कर रहे आपना कने किसा होए लुगाई को दड़ो महाराज बन जी हाथ में त्रिशूल ले लिए ब्रू रा घुटावे बूम भसम कर दियो रे क्या हूं आओ जिया कोई स्टेशन महाराज और बाबू जी गम आ गया सारे दिन गम में फिरिया महाराज ने की हाथ आयो को नहीं
एक घरे बड़े एक बाइली कचरो काटे। अरे बोले बच्चा कोई कमी तो कहानी है। बोले बाबा जी कमी क्या है, घरालो दिन के जावे हाथना में गाड़ा ट्रैक्टर कुआ घनाई है। वो बोलियो कहीं कमी है तो बताई। बोले और तो की है महाराज, मेरे तो कोई टिंगर टाबर को नहीं। बोले बेटा मैं तो वे दिन था फिरा, तू एक 500 को नोट लिया बहू हूं द्वारका में दियो जगाशु थारा घनाई उजी। अब भी बाबा जी की द्वारका बाप दादा गा दे खड़ी। मन में सोचो ठीक है, 8-10 दिन उल्लू ही रेशा, 12-13 वर्ष बारे रहा। एक दिन भी गम आया, मन में सोचो भी घर का नहीं चला, हम कल 2100 लिया। खिड़को कुंटो खोल रमा बढ़िया बिन्ने भगवान की मैं रूड़ी बाखड़ में 500 हुए खेले टावरा डूजू आ रही हो। बाबू जी कह रहे छोरो थोरो बाप घटे रे जिन बा गरली मह निकल बोली बाप जी थे तो द्वार का मैं दियो जगह मारे भी पाछो बुझाण ने गेड़े के बोलो ज्यादा जगह 100 बीघा जमीन ही गुतरूगी। समय की कथा है सजनो, बन बन के मां भ्रमण करे गुरु गोरखनाथ जी और भगत पूर्णमल भगवी चादर को प्रकोटो रखे। गोरखनाथ जी के भी बात को उत्तर भगत पूर्णमल दिए, भगत पूर्णमल के भी बात को उत्तर गोरखनाथ जी दिए। गुरु चेला में संवाद और जवाब चले क्या क्या कवि चरत रामा बन बन बिचीर हरी गुण गावे, बन बन बीच हरी के गुण गावे, सांवरिया तेरा पार कोनी पावे, तनरे सांवरिया तेरा पार कोनी पावे, तेरा पार कोनी पावे, मानव दे ही हाथ नहीं आवे, हाथ नहीं परमात्मा को नाम ले। कुछ साल कुछ महीना बीते, कई देख बोलिया रे थाने कुकर फेंक्या। बोलियो बेड़ा अलबाद करने लगे बच्चे महाराज यू माना सारा को लग दिए। तो बोलियो ज्ञान ओ सो सीख दी जिन थे रोंदे फिरो थर बाप ने रोम तर रखे। तो बोलियो के एक रहा एक बोलियो बिल्टी कटा दियो बिल्टी, हाँ पत्तो कटा दियो घटी। तो बोलियो अरे सगे लिए आएंगे बिल्टी कटावा खटे। एक बोलियो जिज्ञा मेरे ठाई है बट गोरखनाथ जी जावे को निखटे। गड गजनी का राज है मुल्क चीन का देश जी जी, एक लड़की शासन करे तो करके भगवान थे देखनो के आज साधु देखनो के धन माल को मेरा राज छोट धन माल डूर गया देखनो धन माल। एक साधु के गड गजनी चीन का मुल्क, तो भाई जी चीन जगत ही नहीं माड़ो राज ही माड़ो ही है। गड गजनी चीन का मुल्क में एक लड़की शासन करे, नाम भी को सुनना है। एक महात्मा ने मार बिंग बाद में वह भोजन करे,
भट्ठा ले चला जसी जसी भीख ने बड़पा चो जीव तो आवे है कोने गोरखनाथ जी ने गांजा मा भांग मा अवधूत करे और के कह कवि अरे जूना रे साधुड़ा रे जूना मारेगा मांजल रात गडगदनी चीन का मुलुक उरला पासा एक पड़ा लियो पड़े तालियो बेटी के बाप की बरात सी उतरी बैठी गोरखनाथ जी भगत पूर्ण मल भगवी चादर को प्रकोटो पड़ियो से बिरज का बंदर पड़े जो पड़िया प्रकोटो फाड़ रेडियो अरे चलो यहां कह कर बोलो यहां दिया को नहीं अड़गोड़ पे चलो है गुरु जी मैं भीख मांग ले आओ सागे तो थाने खुआवार सागे कुन खोड़े ने खुआवा तो चेला बोले आज भीख मंगाए शाही गलू गोरखनाथ जी बोले अरे एक भीख लिए भी छह महीना ही बारी का थर के मकमकी जगी है बोले क्यों मंगाए शाह हाँ चलो अगलो शहर किसो दिख लाग रही है बोलो शहर तो खैर के नीना माया गड़गजनी चीन का मुल्क हर गोरखनाथ जी कह रहे चलो बाजो ठकट मरियो मौत के मुंह में भगत पूर्ण मल के ठहरो गुरु जी मेरा गुरु भाई है निराश ना करो भीख लाशु अरे गणी बात में की है गुरु जी मेरी तो लाल गबो लिख दी भागो टालनियो को नहीं बिन मोशी मरवावार बिन बा खत्म कर सी सजनो शुद्ध जी कहते हैं राजन हाथ में कमंडल है और शरीर के ऊपर भगवान रेडेड़ो है ऐसे मानो महाराज कि जैसे रोई और हिरत लपेट करके हवन कुंड के नजदीक जा रहा है रूपन तो हो ही शरीर पर जटाई बधी हुई है और काना में कुंडल है जगह का लड़ा है कुंडल चमक रहा है हाथ में कमंडल चीम तो ले गए और भी सुंदरा महलगा कहीं जावे कुंड भगत पूर्णमल और के कहे सुंद ना देके मेल जा बचन बोले भाव का जी सुंद ना को भी खदे मेरे दर्द कान के सुंदरला महल के आगे जा रहा है लेख अलग करिए सुंदरला कहे भाई आज तो कोई महात्मा आ गया
बोले ना ए भाई महात्मा छोड़ रहा पड़ गया मैं काल बेली ही आना बंद हो गया महात्मा टकटा है पाछी आ रहा है कालक की आवाज करी बोले भाई कोई आ गया सुनना क्या मन सात दिन हो गया अन्न और जल गए मैं मुंह खोल गयो नहीं शरीर कंप है मेरो छोरिया बोली तू थोड़ा सो टांचो लगा दी डा में आप पी ले सजनो भीखो बनो है हीरे मोतियों को थाल भरेड़ो है और सुंदरा टैग 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 मेला नीचे उतरी है भगत पूर्णमल को रूप देखियो नहीं यार सुंदरा के ठेरो छोरियो के सुंदरा के बेन इने मारा कानिए बाई इने मारा कानिए पत्ती बना कर रखा मेले सिरे मारा कानिए ए बहन इने मारा कानिए बाई इने मारा कानिए पत्ती बना गे पत्ती बना कर रखा मेले सिरे बिना गति ना आए बहन दर दर की ठोकर खावाए पति बिना गति ना आए बहन दर दर की ठोकर खावाए कया बचन मेरा पालन कर चरना में शीश झुकावाए हे जी कया बचन मेरा पालन करे चरे ए बहन इने मारा कानिए माई इने मारा कानिए पति बना करे राखे सरे तारा कानिए जैसा भगत जगत में और नजर ना आवे गुरु पालिया गोरख नाथ जगावे गुण ईश्वर गावे गुरु पालिया गोरख नाथ जिन्होंने गुण ईश्वर गावे ठेरो छोरियो सुनना के बहन इन मारा कानी है तो इन पति बना गए और गडगजनी को राज दे गए सके ब्याह कर सो छोरिया बोली लार लो तेरे के गुआर खा गया बनाए जो सलाई बगी भगत पूर्ण मल के सुनना मैं पूरे स्वयंवर का चेला हूं भाग्य नहीं जाऊंगा और मैंने भी गाल दे छोरिया बोली बड़ा तो अंत भी गाल दिया करे बन तेरी तकदीर तकड़ी है सुनना और करने लगे भगत प्रभु रूप बनते हो और सुनना कह रहे साधुड़ा अरे किसी रे माता को कहिए लाडलो रे साधु किशोरी माता रो असली जात रे
सुनिया चंद्रमा सरी सो कहिए उजड़ो रे साधु चंद्रमा सरी सो कहिए उजड़ो रे साधु सूरज के उनी यार रे ओ सूरज के उड़िया समय तो बड़ी रे बलवान रे ओ समय तो बड़ी रे बलवान रे ए साधुड़ा तेरे काना में कुंडलो प्या गोनी सुनना के तेरे सिर के ऊपर तो राज मुकुट चो खोला के देख तने भगवान रूप दियो अरे चंद्रमा सरीसो कहिए निर्मलो तू सूरज रे उड़ियार देख तना भगवान रूप दी हुए भगत पूर्ण मर के सुनना मैं यहां मेरा रूप का बखान करने के लिए नहीं आया हूं मैंने भीख गाल दे मैं भिक्षा ले चु ए साधुड़ा तू मेरे सागे ब्याह कर ले सुनना तू मेरे गुरु कन चाल अगर मेरे गुरु कह दियो तो जा मैं कदे तेरे संग ब्याह कर लियो खट्टा है तेरो गुरु फलानी जी के बैठे सुनना कह जल्दी से रथ मंगाया जाए रथ मंगा लियो पांच छह सहेलियां बैठगी रथ पर हाथ में तलवार ले सुनना बैठगी आगे भगत पूर्णमल बैठ गयो रथ पड़ा लिया का नहीं भीर गयो माननाथ बैठे बैठो आटो सुनो लारे निजर गई ध्यान ना था बोलियो लुगाई खटे बोलियो आ रही इन मारन लागे अजना आ कहिए भाई मन एक ले ले क्यों मरे डेर मोटा हूं चलियो पड़ी है अर तेरे मिन्ने खंड को गुजारो जी से बोलिया दकी गुरु जी थाड़ो इतने सी मरियो है मौत ने मां ने सिर पर ले हुए गुरु जी बाचो गोरखनाथ जी के भाजा भगवो लाज जेर लाजे गोरख गो नाम आसन मेरो ना छोड़ू तो कह रहा बारम बाजू गोनी भाजा भगवो लाजे चेला बजा जीवता रे शा तो सरदार सहर भगवो और लिया शा के अंति फाड़ रहे सी 120 महात्मा पल्ला में उड़ लुके जुसे लुक क्या सुनना अरे गड गजनी गिराज कन्या गुरु गोरख शरण में लागी रे गड गजनी गिराज कन्या गुरु गोरख शरण में लागी रे अरे देवे आशीर्वाद गुरु जी देवे आशीर्वाद गुरु जी अरे भाई सुनो बचन कपटा एक पूर्णी जैसा भगत नजर नहीं आवे वो नजर नहीं आवे गुरु रे पालिया गोरखनाथ हरी का गुण गावे ये भाई आसमे कर दे
ही कमगावे। सुंदरा आगेर गुरु गोरखनाथ जी का पगा लगी, दंडवत प्रणाम करियो गोरखनाथ जी, आशीर्वाद दे दियो। आ बेटी गढ़ गजनी की राजकन्या होते, मेरे आश्रम में बेटी मैं तो फकीर हूं। बोले गुरु जी थे फकीर कौन, फकीर तो मैं हूं। मन ओठा कोनियों के थर सके ऐसा साधु है। क्यों बेटी? हे गुरु गोरखनाथ, मैं शाहजादा भगत पूर्ण मल के सके ब्याह करना चाहूं। ब्याह को नाम लियो माननाथ के शेरनाथ। हां बोलियो ब्याह को जिक्रो चले ब्याह को ब्याह को जिक्रो चले माननाथ बोलियो बोलो मर तेरे कुण के ठगार बोलो भी किता गए। शेरनाथ बोले यार हूं को रही दिन यार तो निकलियो पांच सात दस पचास सौ एक सौ बीस महात्मा को बार कर कड़ो ला गया। भगत पूर्ण मल क्या सुनना, ए देख मेरा गुरु भाई, कई उबाणा रेणिया कोई उगाड़ा रेणिया कोई पत्ता खानिया कोई पून बखणिया अंश के ब्याह कर ले। मानना हथ बोले वे ब्याह करे तो आपनो जिक्रो कर दियो। पांच सात एक बोलिया नहीं को फगई बिकराल हूं और हाथ लिनी तलवार एक लेन में हो जावो थरो पढ़ दू साको चार। करो सुनना के भगत पूर्णमल गुरु गोरखनाथ जी एक का नहीं हो जाओ और जगह ने ज्यादा चौरी वालो धुओ भाव मेरे का नहीं आ जाओ। अब से थर दूजे पुल उन्हें बकरो दूजे जू मन में सोचा ले भाई अब भाजा ही खटे बा करन लागी। सुंदरा भगत पूर्णमल खड़े है गुरु गोरखनाथ भुजा पकड़े ठहर बेटी ए पूरन तेरे बजे जे महात्मा का खरांच आ गए तो हूं तने श्राप देशो। से बोले गुरु जी थे के देशो चल शा जो मैं देनता बगीचा श्राप घर तो मारो ही गो विष्णु राजी हो जाएगी। जाओ पूरन गोरखनाथ जी के इस सुंदरा के सागे चलो जा इया को भी ब्याह कर ले। उड़ने वाले सब मौसम सात सुरों का बहता दरिया सुनना जावे और भगत पूर्णमल क्या सुनना। ये जन्म मेरा भक्ति के लिए हुए है मेरे कलंक ना लगा जा। अगले जन्म में मेरो जन्म गोपीचंद के रूप में उसी जा मैं तेरे साथ ब्याह कर लियो। सुनना बोली ना मैं तो भी ब्याह करियो सजनो। सुनना वरमाला गालन लगी ना अंतर ध्यान जद हो गया और सुनो सबा दे ध्यान गया वचन पालन करो बिगो सतगुरु गोरख। सुंदरा वरमाला गालन लागी भगत पूर्णमल अंतर ध्यान हुए जानते कि पीठ दिखी ना। सुंदरा मन में सोचा ले भी त्यागर चलो गयो जो अब पछो आवे कोने और चंद्रमा उगड़े चंद्रमा ने देख सुंदरा कहे अरे तू तोरे चंदा खांडो भयो और अरे मैं तो खांडी कहिया क्या बात है
सुनना के तू तो चंदा खांडो भयो मे खांडिया नार, अरे तू तो पुन्यूंगो पूरो उगसी में तो भया बागले ही जमा। सुनना चक्कर खागे सातों महल से गिरे और आपका प्राण त्यागे, बोलो भक्त और भगवान की। शाहजादा भगत पूर्ण मन मन में सोचो ले भी सुनना खत्म हो चुकी, अब जे पाछो जसी नी तो तन गुरु मना श्राप दे दे सी। जना माड़ा बचन याद आवे, किसा याद है गे कद दिया जकी टेम में कर दू है वो। जना बाग में बचन दिया, जननी दिल में धीर धर ले मन को समझाए, फेर मिलूंगा आए के पाछो शाल कोट के वहां है पाछो हूं विशोक विशोक दर्शन दे दियू तो के कहे। ये भाई नगर में आया, अरे भाई रे शाल कोट का राज उसी जगह आया। आ भाई रे शाल कोट का राज रे उसी जगह आया। ये भाई भाग में आया, अरे भाई रे धन रे दीना नाथ तेरा पार नहीं पाया। भाई रे धन रे दीना नाथ तेरा पार ना पाया। या प्रेम से प्यारी, अबे सुन ली जो नर नारे कतरे हितकारी। आ कोई सुन ली जो नर नारे कता हितकारी। बाल बाट का बाग मावे पाछो शहर शालकोट में साधु का भेष है, शरीर पर जटाई बदी हुई है, हाथ में कमंडल है, जीवड़ो पग में लियो नी बाग में यार बाग सुकड़ो। दादर मोर पपैया बोले कोयल करत कलाट, बाग हरियो जद हो गयो बिंगो सतगुरु गोरख। बाग हरियो हुए दादर मोर पपैया बोले और जगह दरखत के नीचे सिद्धेश्वर गुरु गोरखनाथ जी तपस्या करी ना भी दरखत के नीचे पद्म पलाथी मार गए और प्रिय सजनों भगत पूर्ण मल बैठे। इन्हें चार माली गाऊंगा बार देखे रे मन में विचार करो रे जतन हजार कर लिया। हरी तुस का लगी रात बाग सुको अब हरियो किया हो भगत पूर्ण मल ने देख के साधु के भेष में। नैन झड़े आंसू पड़े और नैना जल की धार, देख देख कर रूप ने तो कह रहा बार। रूप देखो नहीं और बे चारू माली रोए। भगत प्रणमल कह भाई रोवो ना, मैं ठूकी कौन खे बोलो महाराज खावा तो के बैठा। ए महाराज थारे चरणों मारा भाग रियो है,
दूसरी बात मैं यहां रोवा महाराज थारे जिसी शक्ल को मारा राजा के बेटो है निर्भागणी मौसी पति को झूठो ब्लेम लगा करके मारा आंखिया गा के कत्ल करायो महाराज में जीव तो जागता बैठा बा बात में चारू माली जा राजा ने कह राजा बा चीज तो है कहानी बाकी सेम ही जाने भगत पूर्णमल बैठे बिंगी सी शक्ल वालो एक महात्मा आयो है बाग में और बाग हरियो हो गयो राजा आर देखे ना देखी अपनी लाल ने मन में करो विचार देख देख कर सकल ने अब कह रहो पारम रूप ने देख के शकल देख के भगत पूर्ण मल गई राजा रोए है भगत पूर्ण मल के राजन रो आ महाराज जी रो क्यों रोवो ए महाराज थारे जिसी शकल को मेरे बेटो हो मेरी निर्भागणी रानी बाग में कत्ल करे मेरा आता हूं तो राजा जक्का दिन अंदर मंगे पलड़े क्यों चढ़िया न्या करो आता न्या तो योग हो आप एक गुरु के दरबार में आए हो भगत पूर्णमल के बा रानी भगत पूर्णमल ने मरवायो तो कि जीवती है क्या जू बोलिया प्रधान जी जार कह दिया भी रानी ने छोटी है तो बहन है मोटी है तो मां है मेरे दरबार में कोई पढ़ दे की जरूर को ने पगे हो बाणी बुलाई है बाबा प्रधान के सो है प्रधान जार क्यों रानी लूड़ा दे भगत पूर्णमल की सी सकल महात्मा आयो थाने बाग में बुलाए बोले चंपली विसाना शुरू कुकुर ये है जनाबा दासी के अरे हे निर्भागण नार लूणा दे ते खोटा रो प्या चाला मालिक के घर न्यार उसी तेरा मुंडा होसी काला ए निर्भागणे आज लुणा दे ओटारो प्यास सारा मालिक के करे नाव होसी तेरा होसी मुंडा काला ये भाई शर्म कोनी आवे बिन आयो मौत मरायो शर्म कोनी आवे अरे मां इंछरा को चुते मान कपा और केरो जासी सित्या नास बाई तेरा होसी मुंडा काला ए मेरे बागड़े नार लुणा दे खोटा रो प्या साला ए मेरे बागण नार लुणा दे ते खोटा रो प्या साला अरे मालिक के घर न्या उसी जा तेरा मुंडा उसी काला अब चाल बाग में आवे और कह चंपली साधु को भेज धन के सगी आ गयो बोले भाई बो ये कर बोले सेम है पाछी बाग में जनता भेड़ी उन्हीं शुरू हुए भगत पूर्णमल के देख रानी तू छोटी है तो बहन मोटी है तो माँ है बता दे इस सभा का मां सच्ची बात अगर भी लड़के को दोष है तो बता दे तेरो दोष है तो बता दे कूड़ो दोष भी लड़के पर लगायो या ते तेरे पर लगायो अकाश मंडल से बीज पड़े खत्म हो जाए लूणा दे मन में सोचो बाग रे हो बैठे बिजली पड़नी बेचा गांगी बोलियो बोली जे कोनी राजा पानी गल ले रानी चंद्रमुखी मृग लोचनी मेरे आधे अंगगी नार दिल की कथा बताए दे पूछो बारंबार रानी बोल बता बोलियो बोली जे कोनी
दासी का ठहरो महाराजा के बोले मंगड़ मूंगी आंगो रिकॉर्ड सो मन याद है दासी भगत पूर्णमल के इतनी सभा सुने अगर झूठो दोस्त है भी लड़के पर लगा दियो तेरे पर लगा दियो बिजली तेरे पर ही पड़ जाएगी। बोलियो महाराज मैं जे सच्ची बात नहीं कही तो मेरी मरे जगती का हुए गुरु कपड़ा मत देखो भाव देखो जगह ना भाव है नहीं भी ने गुरु बनाना चाहिए क्योंकि इंसान को गुरु इंसान है गुरु ऐसा होना चाहिए जो को चोर नहीं हुए गुरु ऐसा होना चाहिए जो ठगी नहीं करे गुरु ऐसा होना चाहिए जो पर उपदेश दे इंसान ने संसार में गुरु बनाना चाहिए। देखो जगह को सतगुरु गुरु गोरखनाथ हो दासी कह महाराज बात आई अब बताऊं थाने तो के कहे माता माता कर तो पूर्ण मेले बीच में आयो रे माता माता कर तो पूर्ण मेले बीच में आयो रे अन निर्भागणे कामणी रे अन निर्भागणे बीच में आयो रे माता माता कर तो सजना नजर नहीं आवे ओ नजर नहीं आवे ओ गुरु पालिया गोरखनाथ हरि का गुण गावे आ गुरु पालिया गोरखनाथ रे हरि का गुण गावे। बात आई महाराज भगत पूर्ण मलगा रत्ती दोष को नहीं हो ये धंधा मारी भाई का है माता माता कर तो पूर्ण महल बीच में आयो अन निर्भागण कामड़ी झूठो पति वो दोष राजा कह रानी बात सच्ची है गे नाड़ लही बोलियो है तो सच्ची यार सिर पर तलवार मारने लगी हे निर्भागणी ते मेरो हाथ तो बेटो मरवा दियो भगत पूर्ण मन भुजा पकड़े ठहरो राजा थारी जगह बैठ जाओ गुरु के दरबार में खून खराबो कौन चले। अब सास शहर की जनता रो रही है मन में सोचे बाप रुको पाप करनो महापाप है देख लो भी ज्यादा पाप है जक्के दिन भी पाप ना पांख हो देखियो अरे कोई दोषी को नहीं हो। राजा कह जा रानी मैं आज के बाद में तेरा परित्याग करता हूं मेरे कक्ष में ना आया करो रानी मेरे कक्ष में ना आया करो। हे महाराज भगत पूर्ण मल कह एक बार भी देवी का दर्शन करा दियो जकी को कुछ शाहजादा भगत पूर्ण मल पैदा हुयो मां इंसरा ने बाग में ल्यावे नी देखी अपनी मात ने कुंडी के बंधावे धीर आख्या आंसू पड़ रया बिगी सुले छेड़ी तक मां ने देखकर भगत पूर्ण मल गए तब आंखें में आंसू पड़े। राजा कहते रो इन देवी ने देख कर रो मां ने देखो रे जो कोनी और भगत पूर्ण मल के हे सांवरा आना पड़ेगा सांवरा दर्शन दिखाना पड़ेगा जो वादा किया मैया से निभाना
के आंचल से चली बत्तीस दूध की धार, जाकर भगत के मुख पे गिरी तो हो गई जय जय। बत्तीस दूध की धार माता इंद्रा के और सजनों भगत पूर्णमल के मुख पर गिरे, राजा समझ लियो भगत पूर्णमल हो ये। माता ने दिव्य दृष्टि द्वारा नेत्रदान दिया, माँ इंद्रा कंठ लगायो, माता को दिव्य दृष्टि द्वारा नेत्रदान दिया और माँ इंद्रा सिर पर हाथ फेरने लगी। बी टाइम के माँ पहला सिर पर हाथ मौसी को फिराशू तो कहे माता मेरे ऐसो कलंक क्यों लगायो, लूणा दे के तेरे समान पुत्र जा भाई जा, माँ तेरे कुख से एक पुत्र का अब जन्म होगा, नाम वीर कव रेसालू सी, वीर गुणो तकड़ो उसी गुण माँ दंदा तेल डा उसी। तो कथा रेसालू की बहुत तकड़ी है। तो अब कह मां राज करूं भक्ति, माँ क्यों बेटा भक्ति करो और लास्ट टाइम में आगे तेरे फर्ज निभाजी, बोलो भक्तो और भगवान ने की। जन्ना नारद जी प्रगट गेर के हे पूरण आ कथा कोई संपूर्ण सुन सी, बिने चार यज्ञ तीन गौदान में दे तो पुनः प्राप्त उसी, बोलो भक्तो और भगवान ने की। जय बोलो ठाकुर जी महाराज की। आ लियो जी मनाई सी मैं थाने।